हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, एडमिट कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज आइए देख लेते हैं हम इसे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड छात्रों को जारी एडमिट कार्ड में मिल रही गड़बड़ियां, परीक्षा से पहले ही करा लें सुधार। तो अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया है तो आप लोगों को क्या क्या चेक करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो जल्द ही आपको मिल जाएगा, आप अपने स्कूल में जाके पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं, छात्रा का नाम रमा है लेकिन उसे मिले एडमिट कार्ड में ये यह रामा हो गया है। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल व इंटर के छात्रों को जारी एडमिट कार्ड में हिंदी में अंकित नामों में ऐसी कई गड़बड़ियां हैं। स्कूलों के अनुसार पिछले महीने सुधार कर बोर्ड को भेजा गया, लेकिन एडमिट कार्ड में त्रुटियों को नहीं सुधारा गया। अब स्कूलों को दोबारा सुधार की कवायद करनी पड़ेगी। इसमें बताया गया है कि एक छात्रा है जिसका नाम है रमा, लेकिन उसके एडमिट कार्ड में उसका नाम क्या है, रामा आ गया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और आगे देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के परीक्षा कार्यालय से स्कूलों को एडमिट कार्ड का वितरण बुधवार से शुरू हुआ है। इसके साथ हाई स्कूल के छात्रों के नॉमिनल रोल नंबर भी भेजे गए हैं। यूपी बोर्ड ने पहली बार छात्र व उसके माता पिता के नाम अंग्रेजी के साथ हिंदी में दिए गए हैं। अंक पत्र में भी नाम हिंदी में होंगे। बोर्ड ने जो एडमिट कार्ड जारी किए हैं उनमें हिंदी में दिए नामों में काफ़ी गलतियां हैं। LDA स्थित नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज के इंटर के चार व हाई स्कूल के एक छात्र के नामों में गड़बड़ियां हैं। अन्य कई स्कूलों ने भी शिकायत की है। अधिकतर नामों की मात्राओं में त्रुटियाँ हैं, जिससे उनका नाम का मतलब ही बदल गया है। स्कूलों ने शंका जताई कि यदि त्रुटियों में सुधार नहीं किया गया तो अंक पत्र में भी इसी तरह की गड़बड़ियां होंगी। इसमें बताया गया कि एक इसमें जो नाम में बहुत बड़ा गलती हो रहा है, जैसे कि इस वर्ष जो है, अब आपका जो मतलब एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। पहले क्या होता था, केवल इंग्लिश में ही नाम दिया जाता था, और इस वर्ष जो होगा अब हिंदी में, और आपके माता पिता का नाम और आपका नाम हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जब आपको एडमिट कार्ड मिले तो आपको सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में चेक करिएगा कि आपका नाम सही है, आपके माता पिता का नाम सही है, और डेट ऑफ बर्थ और जो सब्जेक्ट आपने लिया है वो सभी चीज़ों को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आप लोग स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बताइएगा कि सर हमारा ये गलती हुआ है। तो हो सकता है वो यूपी बोर्ड के से संपर्क करें, हो सकता है आपका सही हो जाए। तो ये था खबर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।